Okay, students, okay, देखो आज हम लोग का जो चैप्टर है लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, आज हम लोग को इस टॉपिक को डील करना है, इस टॉपिक के ऊपर बारे के बारे डिस्कशन करना है। देखो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया था लैंड रिसोर्स के बारे में, जिसमें देख रहे हो कि हमने बता दिया था कि लैंड जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। लगभग ये 30% एरिया जो है वो आपके सरफेस से कवर करके रखते हैं। और हाँ बोलो, 30% एरिया जो है वो कवर करके रखते हैं। इस एरिया जो 30% एरिया, यहाँ पे फॉरेस्ट भी है, यहाँ पे लैंडफॉर्म प्लेन्स भी है, यहाँ पे डेजर्ट भी है, यहाँ पे रिवर्स भी, ये सारी चीजें यहाँ पे मौजूद है। अब देखो यहाँ पे लैंड यूज की बात कर रहा है, तो इसमें देख लो लैंड जमीन का यूज हम लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में, जैसे हमें कुछ जगह पर एग्रीकल्चर करते हैं, कुछ जगह पे फॉरेस्टेड एरियाज है, कुछ जगह पे आप माइनिंग करते हो, माइनिंग का मतलब जमीन खोद के नीचे से कोयला या फिर दूसरे रिसोर्स को बाहर निकालना, फिर बिल्डिंग हाउसेस, कुछ लोग घर भी बनाते हैं, रोड बनाए जाते हैं और भी फार इंडस्ट्री को सेटअप, मतलब कहने का मतलब है कि लैंड्स के ऊपर आपके सारे के सारे एक्टिविटीज जो है वो टिकी हुई है। नो लैंड्स नो एनी एक्टिविटीज, ठीक है, एनसीईआरटी है, आप अपने बुक में भी देखोगे तो यही पर दिया है, ठीक है, किसी भी बुक में यही चैप्टर यही पॉइंट होगा। तो इसको हम लोग लैंड यूज बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट के फिजिकल फैक्टर जैसे में टोपोग्राफी हो गया, सॉयल हो गया, क्लाइमेट हो गया, मिनरल्स हो गया, वाटर की अवेलेबिलिटी हो गई, ये सब भी फैक्टर्स हैं जो कि लैंड के लैंड को यूजेबल बनाने में मदद करते हैं। सपोज करो कि अगर लैंड है, जमीन है, लेकिन वहां पे दूर दूर तक वाटर कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो उस लैंड का कोई यूज नहीं, बिकॉज अगर फसल को वहां पे प्रोड्यूस, वहां पे फसल को सो कर रहे हो, सोन कर रहे हो, तो उसको इरिगेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो कहने का पॉइंट क्या है कि सपोज करो कि सॉयल के साथ साथ अदर फैक्टर्स भी है जो कि सॉयल को यूजेबल या फिर प्रॉफिटेबल बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक सीरीज दिया है, स्टूडेंट फोकस करिएगा, इसमें दिखाया कि परसेंटेज ऑफ एरिया इन, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। तो इसमें देखो कंट्री का नाम एक तरफ है, दूसरा क्रॉप लैंड, मतलब कहाँ तक कितने जमीन, कितना परसेंट जमीन पे खेती होता है। पैस्चर का मतलब होता है कि जानवरों का चारा, टोपोग्राफी का मतलब आपका जमीन, लैंड की बात कर रहा है, पैस्चर का मतलब हो गया। देखो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एरिया, देखो यहाँ पे एक एरो मार्क आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें देखो ये है क्रॉपलैंड कितने में खेती हो रहा है, ये परसेंटेज है। ये सेकेंड जो लाइनिंग है, इसमें सेकेंड जो टेबल है, इसमें बताया गया कि जानवरों के लिए कितना चारा कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, थर्ड में कितने परसेंट में जंगल है, और फोर्थ में अदर यूज, दूसरे यूज के लिए कितना परसेंट यूज होता है। तो इसमें देखो ऑस्ट्रेलिया एक नंबर पे है जहाँ पे क्रॉपलैंड, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा क्रॉपलैंड, मतलब कि यहाँ पे खेती 6% जमीन पे होती है, जानवरों का चारा जो है 56% पे है, फॉरेस्ट 14%, अदर यूज 24%। ये सीरीज एक लिख लीजिएगा, इसको कॉपी में नोट कर लेना। अब देखो इसमें पे कुछ क्वेश्चन है कि नेम द कंट्री हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर क्रॉपलैंड फॉरेस्ट पैस्चर एंड अदर यूज। तो एक ऐसे देश का नाम बताओ जो चारों पॉइंट में सबसे ज्यादा हो। तो एक नंबर में कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा। हाउ वुड यू रिलेट, सॉरी देखो यहाँ पे नेम द कंट्रीज, जो एक नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या आप करना है, ध्यान देना, नेम द कंट्रीज हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ, मैंने वो एक एक देश का नाम, जैसे मैं जो क्रॉपलैंड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है उसका नाम बताऊं, तो क्रॉपलैंड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन है, 57% इंडिया में होता, तो इंडिया एक नंबर में हो गया। फॉरेस्ट में कौन है नंबर वन पे, तो फॉरेस्ट में लगभग 67% कौन है, जापान, जापान एक नंबर में हो गया। इसके बाद पैस्चर कौन है, मवेशियों का चारा, 56% के पास, ऑस्ट्रेलिया एक नंबर में हो गया। और अदर यूज में 52% के पास कनाडा है,
कैनेडा हो जाएगा, तो ये सबका लाइनिंग आप कर लोगे। स्वाति समझ में आ रहा है? इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू रिलेट द लैंड यूज पैटर्न ऑफ दिस कंट्रीज विद द प्रोपेट इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। तो इसमें देखो ये जो भी एक्टिविटीज हुई, इसमें सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के क्षेत्र में कौन सबसे ज्यादा वेल डेवलप है, तो सपोज जहां पे एग्रीकल्चर का प्रोसेस होता है, बिकॉज एग्रीकल्चर का प्रोसेस अगर तरीके से हो रहा है तो एग्रीकल्चर के ऊपर ही आपका इंडस्ट्री टिका हुआ है, इंडस्ट्री अगर डेवलप होगा तो आपका टेरिटरी सेक्टर भी वेल डेवलप होगा। तो कहने का मतलब है क्या है कि एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा कहां पे इंडिया में, तो क्लियर की इकोनॉमिकल कंडीशन भी इंडिया का तो बेस्ट होगा। इसका स्क्रीनशॉट एक ले लेना, परसेंटेज ऑफ एरिया है, अगेन एवरीबॉडी अब देखो कहने का मतलब है कि दीज कम्युनिटी लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, इसको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कहते हैं। जैसे जंगल हो गया, जंगल का कोई बोलेगा कि फॉरेस्ट मेरा है, फॉरेस्ट किसी का नहीं होता, अपना घर आपका अपना है बस, उसके बाद सारे रिसोर्स आपके कॉमन है, मतलब नेचुरल रिसोर्स के रूप में, नेशनल रिसोर्स के रूप में देखे जाते हैं। आगे बढ़ो, देखो नीचे पैराग्राफ में दिया कि लोगों का डिमांड धीरे धीरे बढ़ता है, और डिमांड जब बढ़ेगा तो देखो गांधी जी का एक स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है कि नेचर हैज जस्ट गिवन अस रिसोर्सेज टू फुलफिल आवर नीड्स बट नॉट आवर नीड्स, कि नेचर ने हमें इतना रिसोर्स दे रखा है जिससे कि आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हो, लालच पूरा नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी लालच को पूरा करने के लिए निगेटिव वे का यूज कर रहे हैं, रिसोर्स को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, नेचर को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके वजह से कुछ प्रॉब्लम हमको फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे लैंड डिग्रेडेशन हो गया, लैंड स्लाइड हो गया, सॉइल एरोजन हो गया, डिजर्टिफिकेशन हो गया, और भी बहुत सारे तरह के अलग अलग तरह के पॉल्यूशन हो गया। तो ये सारे तो देखो इसमें लैंड डिग्रेडेशन का मतलब मैंने बोला कि रिमूवल ऑफ टॉप सॉयल, जो फर्टाइल सॉइल बैरन लैंड के रूप में कन्वर्ट होते चली जा रही है, इससे हम लोग बोलेंगे लैंड डिग्रेडेशन। दूसरा है लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स का मतलब आप देखते हो कभी कभी चट्टान एक दूसरे से फिसलते हैं और नीचे की तरफ गिरते हैं, इससे भी नुकसान होता है। सोयल इरोजन तो जानते हो, फर्टाइल सोयल का डिस्ट्रॉय होना, और डिजर्टिफिकेशन का मतलब आप देख रहे हो कि जितने भी फर्टाइल लैंड्स हैं वो बैरन लैंड के रूप में धीरे धीरे कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं, तो इससे हम लोग बोलेंगे डिजर्टिफिकेशन। तो इससे नुकसान किसको हो रहा है, एग्रीकल्चर के ऊपर। अब बोलिए ऊपर कीजिएगा स्क्रीन, क्या स्क्रीन ऊपर कीजिएगा ना सर, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। देखो यहाँ पे लैंड को, जमीन को हमने दो तरीके से डिवाइड कर दिया है, एक किया इंडिविजुअल मतलब जो प्राइवेट लैंड है, दूसरा दिया कम्युनिटी। मैंने रिसोर्स जब पढ़ाया होगा आपको तो उसमें मैं बताया था कि एक होता है आपका पर्सनल इंडिविजुअल, इंडिविजुअल रिसोर्स जिसमें मेरा अपना अधिकार हो, और दूसरा मैंने बोला था कम्युनिटी और रिसोर्स जिसमें पूरे कम्युनिटी का अधिकार हो, बताया गया था। यस सर, ये कम्युनिटी और रिसोर्स बोल रहा है। यस सर, डिग्रेडेशन का मतलब देखो इसका, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब आप देखोगे तो इसका मतलब होगा क्या चीज की जो हमारी फर्टाइल लैंड है वो बैरन लैंड के रूप में जो कन्वर्टेड होते चला जा रहा है। अब ये डिग्रेडेशन जो है वो अलग अलग तरीके से होता है, जैसे मैं सपोज करो कि माइनिंग का आप काम कर रहे हो, सपोज यहाँ पे इस जमीन पे मैं खेती करता हूँ, बट यहाँ पे मुझे पता लगा कि इस जमीन के नीचे क्या रिसोर्स मौजूद है, तो हमने क्या करा कि सारे फर्टाइल जो लैंड है उसको मैंने डिग आउट करना शुरू कर दिया, तो डिग आउट करो तो फर्टाइल लैंड तो चला गया, उस रिसोर्स को निकालने के चक्कर में तो मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो गई। सेकंड है डैम्स बनाने के लिए, तो डैम्स बनाने के लिए भी लैंड डिग्रेडेशन का काम करते हो, तो डिग्रेडेशन का मतलब होगा कि जो फर्टाइल लैंड बैरन लैंड के रूप में कन्वर्ट होगी उससे हम लोग बोलेंगे।
डन कनिष्का हो गया? यस सर। ओके अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, कि लैंड को कैसे हम लोग कंजर्व करेंगे। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप इसको मिनिमाइज करो, मिसयूज ना करो। जो ग्रोइंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जिस तरीके से तेजी में बढ़ रहा है, सबसे पहले तो हम लोग जंगलों को काटते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो फॉरेस्टेड लैंड है उसको कल्टीवेटिंग लैंड के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमारे ऊपर है कि हम लोग हर तरीके से वर्कआउट करें। जिसमें आप देख रहे हो रिसोर्स, इसमें लैंड डिग्रेडेशन, एफोरेस्टेशन, मतलब लैंड डिग्रेडेशन जो रहा है उसको खत्म करने के लिए आप एफोरेस्टेशन कर सकते हो। एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाओ। केमिकल पेस्टिसाइड की जगह पे आप ऑर्गेनिक मेथड का यूज कर सकते हो, प्लस ओवरग्रेजिंग को भी रोकिए, मिनिमाइज कीजिए। तो ये सारे तरीके जिसके मदद से आप लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हो। हो जाएगा डन? यस। देखो यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड किया है। लैंड स्लाइड का मतलब बर्फ और पहाड़ी एरिया में आप देखो ये ज्यादातर देखने को मिलता है। तो होता क्या है कि या तो भूकंप, भूकंप के झटके आ गए, या फिर नेचर की दूसरी जो एक्टिविटियां होती है, रेनफॉल जो भी होता है, उसके वजह से ऊपर पे पहाड़ जो होते हैं उनके कुछ टुकड़े ऊपर पे फिसल के नीचे की तरफ आते हैं और मेन रोड को ब्लॉक ब्लॉक कर देते हैं, उसको लैंड स्लाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो हिमाचल पर या जो पहाड़ी एरिया है वहां पे ज्यादातर ये लैंडस्लाइड जैसी प्रॉब्लम देखने को हमको मिलेंगे। ये बहुत ज्यादा हजार्डियस भी होते हैं, नुकसानदायक भी होते हैं। अब चलो हम लोग बात करेंगे सोयल की बात। तो सोयल में आपको बताया गया था क्या, ऊपर का जो टॉप सोयल है जो थीन लेयर है, ठीक है, जो फर्टाइल सोयल है, मैंने आपको बताया था क्या चलो कि सॉइल का निर्माण कैसे होता है। तो ये वेदरिंग प्रोसेस मैंने बोला था, डेपोजिशनल एक्टिविटी जो रिवर बोला था, वेदरिंग का मतलब चट्टानों का ब्रेक होना और डेपोजिशनल एक्टिविटी जिसमें नदियां बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रोल अदा करती है। अपने पास मैंने बताया था बोर्ड पे जब बता रहा था मैं तो, कि सैंड एंड सिल्ट अपने पास लेके आती है, फ्लड की समस्या आती है, वो पानी आपके घर के अंदर तक इंटर कर गया, पानी वापस बाहर की समस्या खत्म, लेकिन मिट्टी वहीं की वहीं रह जाती है। तो ये डेपोजिशनल एक्टिविटी जो रिवर है जिसके मदद से आपके मिट्टी का निर्माण होता है, और मैं बता दूं कि सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं मिट्टी का निर्माण, एक परत निर्माण होने में। तो मिट्टी को तो पूरा बचा के रखो। अब देखो मिट्टी के कुछ सीरीज दिखाया गया है, जिसमें सबसे पहले आपका ऊपर है, नीचे से स्टार्ट करो, पेरेंट सॉइल, पेरेंट रॉक से मिट्टी का निर्माण होता है, वेदरिंग प्रोसेस, सब सॉइल, सैंड सिल्ट, और उसके बाद लास्ट में टॉप से जहां पे हमारा खेती होता है। अच्छा ये बताओ तुम लोगों को मिट्टी के बारे में वो मिला था, चार्ट मिला आप लोगों को? यस सर। सर यस सर मिला है? यस सर। सर लिख भी लिए। वेरी गुड, चलो ठीक है। अब कर्तव्य देखो, क्वेश्चन पूछा है कि इज एनी आर्टिफिशियल वे टू ग्रो प्लांट्स विदाउट सॉइल। अच्छा ये बताओ बिना मिट्टी का कोई पेड़ कोई भी आर्टिफिशियल में यूज कर लो, मिट्टी तो चाहिए, कोई भी वे आप यूज कर लो, बिना मिट्टी का कुछ कर पाओगे क्या? करते हुए कोई तरीका है जिससे कि बिना मिट्टी का, बिना सॉइल का तुम फसल प्रोड्यूस कर लो? यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं कोई वे नहीं है, मिट्टी तो चाहिए आपको। अगर मिट्टी नहीं रहेगा तो फिर उसको मिनरल या फिर न्यूट्रिएंट जो लेना है उसको मिलेगा कहाँ से? अब देखो फॉर्मेशन के फैक्टर्स की बात करोगे तो मिट्टी के निर्माण की बात करोगे तो इसमें अलग अलग फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, जैसे में टोपोग्राफी हो गया, ऑर्गेनिक मैटर का रोल हो गया, टाइम हो गया, प्लस कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन हो गया। इसमें देखो कुछ पॉइंट दिया हुआ है, इस चार्ट को लिख लोगे। सॉइल फॉर्मेशन में देख लो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले पेरेंट रॉक,
पेरेंट रॉक में देखो क्या कर रहा है कि इसमें सपोज करोगे अगर येलो कलर का चट्टान है तो उससे टूट के जिस मिट्टी का निर्माण होगा वो मिट्टी किस कलर की होगी? ब्लैक एंड हो जाएगी। येलो। हेलो, मैंने आपको बताया कि अगर येलो कलर का चट्टान है, रॉक है, तो उस रॉक से टूट के जिस मिट्टी का निर्माण हुआ है वो किस कलर की होगी? येलो। येलो कलर की होगी। ब्लैक होगा तो ब्लैक कलर की होगी। दूसरा है रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। अब रिलीफ मतलब ऊंचाई की बात कर रहा है। सपोज करो कि अगर कोई चट्टान ज्यादा ऊपर है और ऊपर से वो टूटता गिरता है तो वो दूसरे चट्टान पे टकराएगा, तीसरे चौथे पांचवे छठे टकराते टकराते एकदम स्मॉल स्मॉल पार्टिकल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वहीं पर नजदीक है तो गिरेगा तो डायरेक्ट नदी में आ गया और नदी के थ्रू बहा के लेके जाएगा तो वो बड़े बड़े आपके लार्ज स्केल उसके हो जाएंगे। तो ऊंचाई भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आप देखोगे कैसे इसके बहुत सारे मिट्टी में आपके मैनुअर होते हैं, गाय भैंस के जो गोबर होते हैं उसको हम लोग ऐड करते हैं। अब वो क्या करेंगे तो मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, क्लाइमेट भी इम्पोर्टेंट अदा करता है। क्लाइमेट की बात करो कि गर्मी ठंडी बरसात तीनों मौसम जो है मिट्टी के निर्माण में इम्पोर्टेंट अदा करते हैं। और टाइम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, टाइम के बाद ये डिटरमाइन करता है कि मिट्टी यहाँ पे किस क्वालिटी की बनने जा रही है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है हमारे देश में, देखो यहाँ पे इन इंडिया सोयल कुड बी एलुवियल ब्लैक वेट लेटराइट डेजर्टिक एंड माउंटेन। तो ये इसमें देखो पॉइंट दिया था कि कलेक्ट ए हैंडफुल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सोयल एंड ऑब्जर्व हाउ दे आर डिफरेंट। तो इसके लिए मैंने वो भेजा था कि उसका बना लीजिएगा आप लोग पिक्चर, सारे मिट्टी का नाम है तो मिट्टी अगर मिल जाए तो सही है, अरे तो उसका पिक कहीं तो लेकर उसमें पेस्ट कर देना। अब चलिए, सोयल एरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट टू सोयल एज ए रिसोर्स। अब बता रहे कि सपोज अगर मिट्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो सोयल एरोजन है, या फिर जो धीरे धीरे मिट्टी डिप्लेट हो रही है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसमें दोनों इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, ह्यूमन और नेचर दोनों इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। ह्यूमन कैसे करता है, तो ह्यूमन करता है डेफोरेस्टेशन की वजह से, पेड़ों की कटाई हम लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से भी आपका मिट्टी जो है वो सॉइल इरोजन का प्रोसेस हो रहा है। और कुछ जैसे मैं आप देख लो बात करो कि डेफोरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, ओवर यूज हुआ केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड गिफअप हो गए। दूसरा हो गया रेन वॉश लैंड स्लाइड एंड फ्लॉड, ये आपका नेचुरल हो गया तरीका जिससे कि मिट्टी की फर्टिलिटी बरकरार हो, मिट्टी की फर्टिलिटी जो है वो डिस्ट्रॉय होती है। अब कुछ मेथड बोलते हैं, कुछ मेथड का यूज करो जिससे कि सॉइल को आप कंजर्व कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले देखो दिया है मल्चिंग। तो कहता है कि बेयर ग्राउंड जो भी है उसको बेयर ग्राउंड मत छोड़ो, उसको प्लांट्स वहां पर लगाइए आप, जैसे मैं इसका घास जो होता है वो लगाइए, इसके क्या करेगा मिट्टी में मॉइस्चर हमें पर बना के रखेगा, मिट्टी की फर्टिलिटी बरकरार रखेगा। उसके बाद है कि काउंटर बैरियर्स, तो यहाँ पे बोला कि स्टोन हो, ग्रास हो, सॉयल हो, इसका यूज करो एक तरह का बैरियर बनाने के लिए, ट्रेंचेस तैयार कीजिए जहाँ पे पानी को कलेक्ट कर सको, ये सब पॉइंट भी है। इसके बाद देखो इसमें रॉक डैम की बात कर रहा है, तो रॉक डैम की बात करते हैं, इसमें देखो रॉक्स आर फिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, मतलब चट्टान जो होते हैं वो मिट्टी का पानी का जो स्पीड होता है उसको कम करते हैं। और ये क्या करते हैं, दिस प्रिवेंट गुलीज, मैंने गुलीज का मतलब होता है छोटे छोटे जो होल्स बन जाते हैं उनको बनने में रोकने का काम ये लोग करते हैं, और इससे कि मिट्टी को बचाते हैं ये लोग। बोलिए फिर से बताइएगा क्या, फिर से बताइएगा क्या बताए, सेकंड वाला फिर से बताइएगा, सेकंड वाला फिर से बताइएगा।
सर क्या हुआ है? सर क्या हुआ? कोई सर नहीं है अभी इसमें। हाँ हाँ सर, सभी लोग वेट करेंगे, ठीक है? थोड़ा कनेक्टिविटी का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है? अभी ठीक कर रहे हैं हम लोग, फिर जस्ट 2 मिनट्स में हम लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है? मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है? ओके ओके, वेट एवरीवन, वेट वेट वेट। हेलो एवरीवन, ऑल आर गेटिंग माय वॉइस? सबको मेरी आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? ओके, यस सर, यस सर। ऑल आर गेटिंग मी? सबको मेरी आवाज आ रही है ना? सबको मेरी आवाज आ रही है? एवरीवन, यस सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। देखो अगला हमने बोला, देखो यहाँ पर टेरेस फार्मिंग
तो इसमें आप लोग कहते हैं कि ये हम लोग क्या इसको करते हैं, तो दीज आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट फ्लैट, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि एकदम जो फ्लैट एरियाज होता है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये पॉइंट, इसको देखो यहाँ पे टेरेस फार्मिंग, देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन कलर का एक तरह का गड्ढे गड्ढे टाइप में तैयार करते हैं जिससे कि वाटर जो इधर से उधर हमारे को लेकर आ जाए, उधर की प्रक्रिया रुके। इसके बाद देखो इंटरक्रॉपिंग की बात करेगा, तो इंटरक्रॉपिंग का मतलब अलग अलग तरह के क्रॉप सब लोग अल्टरनेट करके बोते हैं जिससे कि मिट्टी भी मेंटेन रहे और उसको सॉइल के ऊपर ज्यादा उसका असर भी ना पड़े। काउंटर प्लॉजिंग की बात करोगे तो काउंटर प्लॉजिंग देखो यहाँ पे ये वाला इस तरह का फसल जो देख रहे हो ना, ये वाला पॉइंट 2.6 ये काउंटर प्लॉजिंग है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो एक पैरेलल लेवल पर तैयार करते हैं हिली स्टेशन में, ये ज्यादा हिली एरिया में ज्यादातर ये फसल यहाँ पे बोया जाता है, इससे भी मिट्टी की फर्टिलिटी बरकरार रहती है और सॉइल एरोजन का प्रक्रिया रुकता है। और इसके बाद सेल्टर फार्मिंग, सेल्टर फार्मिंग का मतलब ये ज्यादातर कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरिया जाते हैं किसको बोलते हैं, कोस्टल एरियाज का मतलब एरियाज जो समुद्र के आजू बाजू के जो क्षेत्र होते हैं उसको हम लोग कोस्टल एरियाज बोलते हैं, ठीक है। तो उन सभी जगह पे ये जो आपका सेल्टर बेल्ट है, सेल्टर फार्मिंग है, वो ये इस तरह की फार्मिंग वहां पे होती है। ये सारी एक्टिविटीज है जिसको हम लोग करेंगे। अब देखो वाटर की बात करो, ध्यान देना वाटर को देखा है तुमने कि बहुत ही ज्यादा वाइटल रोल निभाता है। सपोज करो कि वाटर के बिना कैन बी इमेजिन, हम लोग इमेजिन कर सकते हैं अपने लाइफ के बारे में, नेवर। और वाटर जो 70% वाटर हमारे धरती के ऊपर मौजूद है, पृथ्वी पे मौजूद है, दैट्स व्हाई हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट के रूप में भी कहा जाता है या फिर इसको वाटरी प्लैनेट भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लगभग, अब यहाँ पे वाटर के एरियाज की बात करा है तो 2.7% जो फ्रेश वाटर जो हमारे पास है लगभग 2.7% है, लगभग 70% वाटर जो है वो ओशियन में मौजूद है, ग्लेशियर के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, इन सभी जगह पे मौजूद है। 1% फ्रेश वाटर जो है वो तुम्हारे ग्राउंड वाटर है जो कि ह्यूमन जिसको यूज करता है। तो फ्रेश वाटर की बात करोगे तो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस, क्योंकि बहुत कम मतलब 1% से भी कम हमारे पास फ्रेश वाटर है और इसका यूज हम लोग करते हैं। और दूसरा क्या है कि वाटर साइकिल एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के मदद से वाटर का लेवल जो होता है वो हमेशा मेंटेन रहता है। जब हमें जानते हो ना क्या करते हैं हम लोग, वाटर हम लोग क्या करते हैं कि गर्मी के टाइम में आप जब देखते हो ड्यू टू द हीट ऑफ सन वाटर जो होता है, वाटर स्टार्ट जो है वो एवोपोरेट होता है, स्टीम के रूप में ऊपर जाता है, वेपर के रूप में ऊपर जाता है, फिर कोल्ड जगह पे जाएगा, बादल बनकर बारिश बनकर फिर जमीन पे आ जाएगा। तो ये है वाटर साइक्लिंग का काम जो कि हमेशा होता है जिसकी वजह से आपके यहाँ वाटर की कभी कमी नहीं होती है, ठीक है। ये वाटर साइकिल है। अब देखो यहाँ पे अर्बन इंडियन यूजेज, यहाँ पे ग्राफ दिया एक्टिविटी जिसमें बताया कि लगभग आपके देश में जो शहरों में रहने वाले लोग हैं 135 लीटर एक दिन में वाटर यूज करते हैं, जिसमें देखो पीने के लिए वो 3 लीटर, ये पर पर्सन एक आदमी, हर एक आदमी की बात, मेरा अपना पर्टिकुलर आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, मैंने एक फैमिली, लगभग एक आदमी 3 लीटर पानी पी जाता है, 4 लीटर पानी खाने में बनाने में तैयार करता है, 20 लीटर नहाने में लगा देता है। 20 लीटर का मतलब लगभग एक बाल्टी पानी पिलाएगा ना, एक दो बेल्ट बकेट वाटर पे आप लोग नहाते हो तो वो दो बकेट क्या होगा, लगभग 20 लीटर पानी आपने करा। फिर फ्लशिंग है, वॉशिंग क्लॉथ है, वॉशिंग अटेंशियल्स है, गार्डनिंग है, ये सब मिला के 135 लीटर वाटर हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं। तो आज के डेट में वाटर की बात करो तो वाटर एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर, मैंने बताया था ना कि वाटर रिवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स को हम लोग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, मैंने बता दिया था इसको कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज रिवर्स में जो वाटर है उसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, पहले एग्रीकल्चर में भी हेल्प लेते हैं, इंडस्ट्री में भी हेल्प लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करते हैं, या फिर तुम्हारे अदर एक्टिविटीज ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करते हैं, प्लस डेपोजिशनल एक्टिविटी करके मिट्टी का भी निर्माण करते हैं, ये भी सारे एक्टिविटीज करते हैं। तो ये है आपके रिवर्स के इम्पोर्टेंट, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से डिमांड बढ़ा है, ठीक है, अब पहले के फार्मर जो थे वो भी ऐसा नहीं था कि वो इरिगेट नहीं करते थे, इरिगेट करते थे, लेकिन उस समय क्या था कि जमीन जो हमारा लैंड फॉर्म है, हमारे यहाँ मिट्टी जो थी उस पर हम लोग क्या करते थे, ध्यान देना, हमारे यहाँ जो लैंड फॉर्म है वहां पर हम लोग क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मेथड का यूज करते थे, मैनुअल का यूज करते थे, जिससे कि पानी की खपत कम होती थी। बट आज क्या है, आज हम पूरी तरीके से इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, इससे पानी की खपत ज्यादा हो रहा है,
जितना ज्यादा साइंटिफिक मेथड यूज करोगे उतना ज्यादा पानी का सप्लाई आपको देना पड़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि वाटर शॉर्टेज बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। अब देखो प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। अब हमारे एशियन कंट्री, मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बता दिया था कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आपके स्टेट में, जैसे राजस्थान चले जाओ, गुजरात चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, दिल्ली तक। अब तो हमारे छपरा में भी वाटर को खरीद के लोग पीते हैं, लेकिन 20 रुपए का वाटर आज से 5-10 साल पहले ये छपरा में मिलता नहीं था, लेकिन आज छपरा में लोग टाउन में आएंगे नल और हैंडपंप से पानी नहीं पिएंगे, वो 20 रुपए वाला लीटर लेकर 20 लीटर का वाटर पिएंगे। तो हमारे यहाँ भी वाटर बिकना शुरू हो गया। तो देखो यहाँ पे कर रहा है कि सबसे ज्यादा वाटर की स्कार्सिटी कहाँ पे है, तो अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ यूएसए, मेक्सिको, साउथ अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया, ये सब जगह जहाँ पे फ्रेश वाटर की बड़ी कमी है, किल्लत है। भाई हमारा देश सुरक्षित है, अच्छा है, हम लोगों को तो किसी, अच्छा किसी को वाटर का स्कार्सिटी तो नहीं है, सबको फ्रेश वाटर मिलता है ना पीने के लिए, किसी को प्रॉब्लम? एनीबॉडी? नो सर। किसको? स्वाति को प्रॉब्लम है पानी के लिए? किसको प्रॉब्लम? समीर, वो हैंडपंप भी है, मोटर भी है। अच्छा चलो ठीक है, हैंडपंप है, मोटर है, चलो ठीक है, तब तो पानी कोई दिक्कत नहीं। किसी को प्रॉब्लम नहीं है वाटर का? नो प्रॉब्लम। नो सर, नो प्रॉब्लम। अच्छा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है वाटर का? अगर वाटर का प्रॉब्लम होता तो मेरे पास एक सॉल्यूशन भी था, इजी सॉल्यूशन था मेरे पास, ठीक है। सॉल्यूशन बताइए। नहीं, अब जब प्रॉब्लम ही नहीं तो मैं सॉल्यूशन क्या बताऊं, चलो रहने दो। तो सर प्रॉब्लम है। अरे अभी तो तुम बोला कि प्रॉब्लम नहीं है, फिर प्रॉब्लम कहां पे हो गया? जबरदस्ती प्रॉब्लम लगता है। सॉल्यूशन, अब तो प्रॉब्लम ही है तो मैं सॉल्यूशन क्या बताऊं, आगे बढ़ो। जिसको प्रॉब्लम होगा यहां पे लिखेगा आई हैव प्रॉब्लम, तब उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताएंगे। तो आपने देखा कि ये सब जगह है जहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी को हम लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, वाटर को कैसे कंजर्व करोगे। तो इसमें आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले तो देखो, छोटा एग्जांपल देखो, हम लोग क्या करते हैं कि सपोज 20 मिनिमम, हाँ रन ऑफ का मतलब आगे बढ़ना, किसी चीज को बहा के ले जाना। दूसरे लेवल रन ऑफ का मतलब भाग जाना भी यूज कर सकते हो। जिसको प्रॉब्लम है उसको बताया जाएगा। देखो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बता दूं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत अच्छा। चलो बताओ क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्या है? चलिए, रेन जब होता है तो वहां पे टंकी या रेन जब होता है तो वहाँ पे गड्ढा खोद के उसमें पानी भर लेते हैं। देखो कंजर्वेशन ऑफ वाटर मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले एक चीज पॉइंट समझ लो कि हमें वाटर को मिनिमाइज करके यूज करना है, वाटर को ओवर यूज नहीं करना, वाटर को मिसयूज नहीं करना। अब सपोज करो कि बहुत वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल हमको बनना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको अवेयर बनना पड़ेगा। जैसे मैं सपोज करो कि अगर मैंने बताया था उसी समय क्या था कि अगर आपको जितना वाटर की रिक्वायरमेंट है, अब एक ग्लास प्यास लगा तो इसका मतलब ये थोड़ा कि एक जग पूरा पानी ले लेगा, थोड़ा सा पिया बाहर पानी को तो फेंक दिया, तो जितना प्यास है उतना ही पानी लीजिए। सेकेंड है कि जब ब्रश कर रहे हो तो इसका मतलब ये कि टैप को ओपन कर दिया, पानी ऐसे गिर रहा है तो ब्रश कर जा रहे हो, तो टैप बंद कर दिया, जब रिक्वायरमेंट है तभी पानी का यूज करें। दूसरा क्या चीज़ है कि सपोज करो कि नहाने के टाइम में भी हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने घर जहाँ पे हम नहा रहे हैं वहां से पतला नाला टाइप का निकाला जा सकता है, और उसको ले जाके हमने गार्डन में उसको मैं मर्ज कर दे कि जो भी आपके घर के लोग नहाते तो सारे पानी जो है धीरे से गार्डन में चले जाएंगे, फिर उससे आपका गार्डनिंग का भी काम हो गया। तो एक तीर पे डबल निशाने हो गए। कपड़े जो धो रहे हो सारे पानी जो है वो सब जगह पे इकट्ठे हुए गार्डनिंग में चला जाएगा, पारे के पारे पानी वेस्ट हो उधर उधर चले जाएंगे, इससे आपका गार्डनिंग करने का तो काम नहीं बचेगा, गार्डनिंग का तो काम दोनों एक साथ हो जा रहा है। तो ये भी किया जा सकता है। प्लस डेजर्टेड एंड फॉर डेजर्टेड एरियाज,
ड्रिप इरिगेशन भी कर सकते हो, ये ड्रिप इरिगेशन कर सकते हो, लेकिन ये आपके बिहार में नहीं हो रहा है, ये सब हरियाणा वरियाणा साइड में होता है ड्रिप इरिगेशन। तो देखिए ये सब है एग्रीकल्चर में, जो केमिकल वेमिकल ज्यादातर हम लोग यूज कर रहे हैं उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका वाटर को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। तो देखो रन ऑफ जो वर्ड समीर पूछ रहे हैं इसका मतलब फ्लो होता है बहना, किसी चीज को अपने पास बहा के लेके चले जाना। अब देखो बहुत सारे जो केमिकल्स चीजें मैंने अभी आपको बताया, देखो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोटिक वर्ड यहाँ पे ऊपर देखो दिया हुआ है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वर्ड्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो देखो दो तरफ से आप जितने भी अनवांटेड कंपोनेंट्स हैं उनको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है क्या, जैसे वेस्ट जो आसानी से सर गल जाता है, जो डिकम्पोज हो जाए आसानी से, ठीक है, जैसे मैं सपोज करो केले वेले का छिलका, आलू का छिलका, ये सब चीजें जो क्या है बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है। दूसरी तरफ प्लास्टिक की बात करोगे क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये क्या होगा, तो ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगा और ये हमेशा पॉल्यूट ही करेगा, तो वैसे चीजों को भी हम लोग कम यूज करें, ठीक है। प्लस फॉरेस्टेड एरिया को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करें, एफोरेस्टेशन पे फोकस करें, बिकॉज पेड़ ज्यादा रहेंगे तो बारिश ज्यादा होगी, पेड़ नहीं तो पानी नहीं। एग्जाम्पल के रूप में देख लो आसाम उसाम साइड में सबसे ज्यादा फॉरेस्टेड एरिया है, सबसे ज्यादा बारिश वहां पे होती है, डेजर्ट में जाकर देखो वहां पे फॉरेस्ट कम है, बारिश बहुत कम है, तो ये इंडिकेट करता है कि मोर फॉरेस्ट मोर बारिश, स्लो फॉरेस्ट स्लो बारिश, ठीक है। अब आओ यहाँ पे हम नीचे अगर हम लोग चले देखो बच्चा लोग, तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की अगर हम लोग बात कर ले, ध्यान देना, तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की बात करो तो सबसे पहले आप देखो कि नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ की बात करो तो इसमें सबसे पहले ये नैरो जोन, मतलब ये लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एटमोस्फीयर, इन तीनों को मिलाकर बनता है आपका बायोस्फीयर, और ये बायोस्फीयर में ये सारे लिविंग आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि इकोसिस्टम जिसमें आप देखो बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, मैंने बताया था आपको बायोटिक एंड एबायोटिक के बीच का डिफरेंस, बायोटिक का मतलब मैंने बोला था कि ऑल लिविंग सारे सजीव आपके बायोटिक है, और एबायोटिक का मतलब मैंने बोला था क्या इसकी नॉन लिविंग बट नेचुरल, एग्जाम्पल सॉयल वाटर रिवर माउंटेन ये सब आपके एबायोटिक, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तभी जाके हमारा पृथ्वी जो है वो चल रहा है, तो ये इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। फिर अलग अलग तरह के फूल फ्लावर ये सब देख रहे हो आप लोग, पॉइंट आगे जाओगे तो जंगलों की बात करो तो जंगल फॉरेस्ट तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट को भी हम लोग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, जैसे सबसे पहले तो फॉरेस्ट जो है वो आपके क्लाइमेट के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, रेनफॉल करने में मदद करते हैं, फॉरेस्ट मिट्टी के फर्टिलिटी को बरकरार रखते हैं, फॉरेस्ट आपको शेड देते हैं, फॉरेस्ट आपको वुड्स देते हैं जिससे कि आप अलग अलग फर्नीचर्स बनाते हो, फॉरेस्ट आपको खाना मतलब कि फ्रूट्स या फिर अदर मेडिकल चीजें भी देते हैं, तो फॉरेस्ट की बात करो तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। और वाइल्ड लाइफ की बात तो यहाँ पर नीचे देख लो अलग अलग तरह के एनिमल्स और जो पक्षी जो है बर्ड्स है उनका पॉइंट दिया हुआ है, इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये सब मिलके आपके इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। ये ब्लू किंग फिशर कितने बच्चों ने देखा है, एनीवन? नोबडी हैज, किसी ने नहीं देखा ब्लू किंग फिशर? कर्तव्य ने देखा है? यस सर। ओके, और किसी ने देखा? चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ किंग फिशर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपको पॉइंट ले आ रहा था। अब देखो नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग है, कहीं ज्यादा जंगल कहीं बहुत कम, जैसे मैं अपने देश की बात कर लो कहीं पे आपको फॉरेस्ट मिलेगा, कहीं ग्रासलैंड मिलेगा, कहीं स्कर्ट मिलेगा, कहीं टुंड्रा एरिया, टुंड्रा एरिया का मतलब जो कोल्ड एरिया है उनकी बात कर रहा है, टुंड्रा रीजन मतलब जो कोल्ड एरियाज है उनकी बात की जा रही है, ठीक है।
तो फॉरेस्ट की बात करोगे तो यहाँ पे आप बात करो तो फॉरेस्ट उन जगह पे होते हैं जहाँ पे ज्यादा मॉइस्चर। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड आता है, मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी, मतलब दोनों का मतलब नमी होता है लेकिन अंतर होता है। मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर, बट दोनों में डिफरेंस क्या है ध्यान देना। तो मॉइस्चर का मतलब होता है कि प्रेजेंटेशन ऑफ वाटर इन एयर, गलत, प्रेजेंटेशन ऑफ वाटर इन सॉइल इज कॉल्ड क्या चीज, मिट्टी में जो आपके नमी है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मिट्टी में वो नो, मिट्टी में बहुत ज्यादा मॉइस्चर है। और वही प्रेजेंटेशन ऑफ वाटर इन एयर, एयर में जो है वो क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, ध्यान देना। मॉइस्चर का मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ वाटर इन सॉइल, ह्यूमिडिटी मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ वाटर इन एयर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके Everybody, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? सारे बच्चे आज रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। नो सर, नो प्रॉब्लम सर। सो रहा है क्या जी सब? नो प्रॉब्लम सर। अब देखो फॉरेस्ट को और डिवाइड किया गया, ध्यान दो यहाँ पे, तो इसको डिफाइन किया गया, डिवाइड किया गया जैसे में एवरग्रीन, डेसीडियस, तो ये किस के ऊपर डिपेंडेंट किया गया, किस जगह में होता है ना सदाबहार पे, तो ये दिखाया गया कि वो वैसे पेड़ जो अपने पत्तों को गिरा, जब हमें एवरग्रीन की बात करोगे तो एवरग्रीन यहाँ पे देख लो एरो मार्क दिखाई दे रहा है, एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करो तो इनके पत्ते कभी नहीं गिरते, ठीक है, ये लंबे समय तक रहते, इसलिए इसको सदाबहार भी पेड़ कहा जाता है। जबकि डेसीडियस फॉरेस्ट की बात करो तो इनके पत्ते आपके जैसे में ऑटम सीजन में गिर जाते हैं, अपने स्प्रिंग में इनमें चलाता है वो, तो याद रखना है एवरग्रीन के पत्ते नहीं गिरते, डेसीडियस पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, एवरग्रीन होते हैं बिकॉज यू नो व्हाट, इनके जड़ जो होते हैं बहुत नीचे तक जाते हैं, प्लस इनके पत्ते एकदम अलग कैटेगरी के होते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो पॉइंट, एवरग्रीन फॉरेस्ट के पत्ते नहीं गिरते हैं, दूसरी तरफ दीज फॉरेस्ट आर, क्योंकि एवरग्रीन जो होते हैं वहाँ पे हमेशा मतलब वहाँ पे हमेशा नमी होती है, जिससे वजह से वो लोग मेंटेन करके अपना रखते हैं और वो लोग गिरते नहीं है। जबकि इसकी बात करोगे डिसीजन की बात करो तो यहाँ के पत्ते जो होते हैं सूख जाते हैं, सूखते हैं, ड्राई अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके पत्तियां जो है वो गिरती हैं। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड वेजिटेशन की बात करोगे, ध्यान देना, तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि फॉरेस्ट आर अवर रियल वेल्थ, फॉरेस्ट जो हमारा वेल्थ है, बिकॉज मैंने अभी बताया कि प्लांट्स हमें बहुत कुछ देते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स सबसे इंपॉर्टेंट हमको ऑक्सीजन देते हैं, जिसके बिना हम लोग तो इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत तरह के आपके वल्नरेबल, इंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्ट, इस तरह के अलग अलग तरह के जानवर और पेड़ पौधे आपके पास मौजूद हैं। डेफोरेस्टेशन की बात करोगे, सोयल इरोजन की बात करोगे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की बात कर लो, फॉरेस्ट फायर की बात कर लो, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, मतलब नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल दोनों ऐसी एक्टिविटीज जिसकी वजह से हमारे जंगल या फिर दूसरी चीजें जो है वो बर्बाद हो जाती है, ठीक है। ड्रिप इरीगेशन का मतलब देखो क्या होता है, ड्रिप इरीगेशन का मतलब जैसे में ये सब फसल आप बोए हुए हो तो जो पाइप आप लगाते हो ना पानी को इरीगेट करने के लिए, तो उनके जो होल्स होते हैं वो एकदम उनके जड़ के पास होते हैं, ठीक है। जैसे मैं सिंचाई लगाऊंगा तो उनके वाटर जो है उनके जड़ के पास ही गिरेंगे जहाँ पर उनको पानी की रिक्वायरमेंट है, इससे क्या होगा कि आपके वाटर डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। हम लोग के यहाँ क्या होता है, हम लोग अपने खेतों में क्या करते हैं, पाइप लगा देते हैं, हमने पाइप लगा दिया, अब पाइप लगा के क्या कर रहे हैं, वो जो पूरा वाटर जब जाएगा तो क्या होता है, फसल एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको उसमें होगा कि सपोज अगर पानी जब जाएगा तो फसल के पास तो जाएगा ही, लेकिन इन दोनों के बीच में जो गैप है, ये गैप में भी पानी जाए तो इसकी तो रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो इससे पानी थोड़ा ज्यादा डिस्ट्रॉय होता है। अब ड्रिप इरीगेशन का मतलब ड्रॉप बाई ड्रॉप, मतलब उसके रूट के पास ही पानी गिरेगा जिसको रिक्वायरमेंट है, इससे पानी को हम लोग सेव कर सकते हैं, बचाते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को सबको मिलके वर्कआउट करना पड़ेगा जिससे कि हम लोग
जानवरों को प्लस पेड़ पौधों को दोनों को बचा सके, ठीक है। अपने लालच के लिए हम लोग इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अलग अलग जानवरों के नाम यहाँ पे दिया है, किस जानवरों का बचा मतलब कैसे बचाया जाएगा। इसके लिए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्वर, ये सबको बनाया गया है इन वेजिटेशन या फिर जानवरों को बचाने के लिए। कितने लोग ये मेरे को बताओ, कितने लोग यहाँ पे पटना चिड़ियाघर गए हैं, रेज योर हैंड्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव विजिटेड द जू? बस एक ही स्टूडेंट। स्वाति, कर्तव्य, आर्य, तो चार स्टूडेंट गए हैं। मैं भी गया हूं भाई। ठीक है, तो चार लोगों ने गए। तो वहां पे देखते हो किस तरह के जानवरों को रखा जाता है, मगरमच्छ कहाँ पे होते हैं, एलिफेंट्स कहाँ पे होते हैं, कौन से जानवर कहाँ पे होते हैं, सबने देखा होगा। अच्छा, कर्तव्य 2016 में गए थे, ओके। आर्य कब गए थे? आर्य भारद्वाज, इन विच ईयर? स्वाति 19, ओके। सैयद अली अब्बास कब गए थे? 2020, अभी भी गया था, 2020 में तो बंद है। अनीस जब 5 साल के थे तब गए थे, मैं भी जब 2 साल का था तो गया था, लेकिन उस मेरे को याद नहीं है क्या क्या मैंने वहां पे देखा था। फरवरी में, अच्छा उसके बाद ही लॉकडाउन करवा दिया क्या? फरवरी में चिड़ियाघर घूम के आया, लॉकडाउन करवा दिया क्या? हम घूम के आ गए, किसी को घूमने नहीं जाएंगे, चलो बंद। अब देखो ये आपने देखा कि अब सपोज करो कि हम लोग ये अलग अलग तरह के वर्कआउट किए हैं। हाँ 2022 में मैं भी चलूंगा साथ में, हम लोग साथ में चलेंगे। तो ये अलग अलग तरह के प्रोग्राम हम लोग लॉन्च किए हैं, गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया है लोगों को अवेयर कराने के लिए कि भैया वन महोत्सव मनाइए, पेड़ पौधों को बचाइए, ठीक है। तो ये अलग अलग मेथड से यूज किया जाता है। रीजन एक ही कि भाई किसी तरीके से जंगली जो वाइल्ड लाइफ है उसको बचाया जाए। इसके बाद देखो कि यहाँ पे एक वर्ड है, कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, मतलब साइट्स एक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको भी तैयार किया गया, टारगेट यही कि भाई सब जंगली जानवरों को बचाया जाए, बायोस्फीयर रिजर्वर तैयार किया गया, वगैरह जो चीजें हैं, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा। देखो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। सबसे पहले कि विच आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोयल इरोजन, सोयल फॉर्मेशन? दो ऐसे फैक्टर बताओ जो सोयल फॉर्मेशन में मदद करते हैं। फास्ट बोलो एनीबडी। हीट ऑफ द सन एंड रेनफॉल। बहुत अच्छा, सही है। राइट एनी टू रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन टूडे। लैंड डिग्रेडेशन अगर आज हो रहा है तो उसके दो रीजन बताओ, चैट में भी बता सकते हो आप लोग। लैंड डिग्रेडेशन के दो रीजन, फास्ट वो लैंड डिग्रेडेशन की बात कर रहा हूं मैं, रेनफॉल बता रहा है, रेनफॉल पर लैंड डिग्रेडेशन है क्या मतलब? हाँ हो जाएगा। तो एक हम लोग डेफोरेस्टेशन कर सकते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ कर सकते हैं, हाँ ये भी कर सकते हो। व्हाई इज लैंड कंसीडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स? लैंड जो है वो जमीन है, उस सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स के रूप में हम लोग देखते हैं। आखिर क्यों लैंड सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स कैसे है? एनीवन रेज योर हैंड्स। लैंड इंपॉर्टेंट रिसोर्स कैसे है? टेल मी फास्ट एनीवन।
लैंड इंपोर्टेंट रिसोर्स कैसे है? अनीस बोलो स्पीक। बोलिए, अनम्यूट करके बोलो। एनीवन जो बोलना चाहेगा, एनीबडी? ओके, कर्ता पे बोलिए। Because it supports the life of planter for growing crops. करता है साइलेंट और आपका नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। कनिष्का मेरी आवाज जा रही है? कनिष्का को मेरी आवाज जा रही है? इसका आंसर बताओ, लैंड इंपॉर्टेंट क्यों है? लैंड जो है, जो जमीन है, वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों? व्हाई? स्वाति बताइए। सोइल इज एन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, इट इज द टॉप कवरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। और बोलो, say something more. Land, okay, because we can plant trees, farmer do farming on land, we can say that land is important. Okay, chalo lagbhag sabka sahi hai, thoda isko aur explain karoge aap log? Acha, suggest three ways to conserve water. Teen aise tarike batao jisse ki pani ko tum log conserve kar sakte hai. Anybody raise your hands? Three ways to conserve water. Raise your hands. करता है, तुम्हारा तो नेटवर्क ही नहीं है। हैंड को रेज करो। अक्षर, अक्षर, three ways to conserve water, tell me fast. एक बच्चे ने देखो क्या लिखा, यूज रेन वाटर फॉर बाथिंग, फॉर स्लीपिंग, फॉर ईटिंग, फॉर कुकिंग। खाली तो रेन वाटर तक वेट करेगा क्या? और कोई स्टूडेंट, एनीबडी जो आंसर बताना चाहेगा, रेज योर हैंड। Okay, don't waste the water. Team kin logon ne haath uthaya bhai? Kanishka, don't use extra water. Chalo theek hai, use rain water harvesting. Chalo theek. Arya Bhatwaj. हाँ बोलो। Deforestation. क्या? What are you saying? Not getting clearly. Deforestation. Okay, आलोक रंजन। Three ways to conserve water. ओके स्वाति बोलो, तीन तरीके बताओ जिससे पानी को तुम बचा सकते हो। मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डोंट यूज एक्स्ट्रा वाटर। डोंट यूज एक्स्ट्रा वाटर, ओके। अब देखो यहां पे ट्रिक द करेक्ट आंसर यहां पे है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। इसमें सॉइल फॉर्मेशन में क्या इंपॉर्टेंट रोल नहीं करता है? टाइम, सॉइल टेक्सचर, ऑर्गेनिक मैटर, ए बी सी डी। फास्ट
बी वो चैट में लिख के भेजता ना तो देख लो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे उसके बाद देखो यहाँ पे ये मैचिंग है मैंने बताया इसको टिक आउट कर लेना मैच में भी देख लो यहाँ पे क्या है फिर नीचे ट्रू फॉल्स भी है मैचिंग में देखो लैंड यूज जो है लैंड यूज से क्या है वन को किससे मिलाओगे देखो तो ए बी सी डी बी को दो को सेकंड को किससे मिलाओगे ह्यूमस को किससे मिलाओगे तो इसको मैच कर लोगे आप लोग इधर देखो फोर नंबर में क्या है तो फोर में ट्रू फॉल्स है जैसे मैं गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन गंगा ब्रह्मपुत्र जो नॉर्थ इंडिया का निर्माण करते हैं उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहता है प्लेन में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया होता है ट्रू फॉल्स ट्रू हो जाएगा ये भी तो देखो इसका आपको ये होमवर्क में वर्कआउट हो जाएगा ठीक है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो लेना है तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने लेकिन यस नो स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है नो नीड बोलता है बुक है तो ठीक है जिसके पास बुक नहीं है उसकी मैं बात कर रहा हूँ इसका इस क्वेश्चन जो 1-5 वो भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो एवरीबडी हैज टेकन सबका हो कंप्लीट डन एवरीवन तो ये आप लोग वर्क कर लेंगे ठीक है तो यहां से क्या करें हम लोग व्हाट टू डू नाउ व्हाट वी हैव टू डू नाउ क्या बोले गुड डे बोला जाए एनी डाउट एनी क्वेश्चन क्या करें ब्रेक ले हम लोग कुछ पूछना है नहीं क्वेश्चन ओके तो यहां आप लोग ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे ठीक है और यहां से हम लोग छोटा सा ब्रेक लेंगे इसे कोई प्रॉब्लम नहीं तो बढ़िया जानी प्रॉब्लम ब्लैक सॉइल है ब्लैक देखो ब्लैक सॉइल को रेगुड़ सॉइल भी बोलते हैं इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं ठीक है रेगुड़ सॉइल जो है वो आपका ब्लैक सॉइल का ही नाम है ब्लैक सॉइल को ही बोलते हैं डन स्वाति एनी प्रॉब्लम
ओके तो एक ब्रेक हम लोग लेंगे. और कोई प्रॉब्लम किसी को? एनीबॉडी? नो नो नो. ओके ब्रेक.